नहीं था, दयानी है क्या, तारक मेहता, अंजलि, अंजलि के और बबीता के बच्चे भी थे, ये भी बच्चे देख रहे हैं। ऐसे बबीता का ईयर कहीं तो है। वो जो मेहता साहब थे वो पहले वाले बहुत अच्छे थे। हाँ हमारा कॉलेज खत्म होने को आ गया भाई, उनका क्यों नहीं हो रहा है। टप्पू तो फर्स्ट वाला ही अच्छा था, अब तो वो बालों पे फूक मारता हूँ, बेफूसा लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी मनोरंजन और आपके साथ मैं हूँ लक्षिता अरोड़ा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा आए दिनों कोई ना कोई चर्चा का विषय बना रहता है, फिर चाहे वो दया बहन की एंट्री को लेकर हो, फिर चाहे वो तमाम मुद्दे। लेकिन आज हम दिल्ली की जनता से ये जानेंगे कि वो तारक मेहता को कितना फॉलो कर रहे हैं और कितना नहीं कर रहे, और क्या उनको क्या लगता है कि दया बहन की एंट्री फिर से शो में होगी या फिर नहीं होगी। आप लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा फॉलो कर? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, कौन से कैरेक्टर आप लोगों का फेवरेट? दया, सेम दया। चंपक चाचा। क्यों चंपक? हाँ चंपक चाचा क्यों फेवरेट? पता नहीं पता नहीं, पर फेवरेट है। डांस डांस क्यों? हाँ डांस, उनका डांस अच्छा लगता है। दया बहन का क्या अच्छा लगता है? गरबा, उनका भी डांस। और कोई है उनके पास? उनकी हंसी, उनका गरबा, उनका हेयर स्टाइल, उनकी साड़ी, और क्या रहेंगे। अच्छा नोटिस किया आपने दया बहन, वो मुझे बहुत टाइम पर लगा था, नोटिस करा कि साथ में है वो। तू तो देखते भी नहीं, काफी करीब से देखा इन्होंने दया बहन को। हाय, आप लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा फॉलो करते हो? हाँ जी, मैं देखती भी हूँ, जब से छोटी हूँ तब से ही देख रही थी। तो अभी नए वाले एपिसोड देख? नहीं एक्चुअली अभी तो नहीं देख पाती, क्योंकि नेटफ्लिक्स इतना सब कुछ हो गया, तारक मेहता रह गया। पहले करते थे आप? नहीं अब कोई नहीं कर रहा क्या? आई डोंट थिंक सो, इट्स गॉट वेरी एज अ डेली सोप। पुराने वाले एपिसोड्स में दम था या नए वाले एपिसोड्स में दम? पुराने वाले में, एक तो सबसे मेन कैरेक्टर दया थी, अब जब से वो गई है तब से देखना ही छोड़ दिया है। मेन रीजन यही था, दया नहीं है क्या, तारक मेहता। पुराने वाले एपिसोड्स में मजा आता है या नए वाले? पुराने वाले एपिसोड्स अब तो देखना ही बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया, क्या वजह है? अब इतना मजा नहीं है उसमें। मेन जो कैरेक्टर था उसका, दया बहन, वो गायब कर दिया शो ने, और भी चीजें खत्म हो गई है। जैसे पहले बहुत अच्छा आता था वो, अब इतना अच्छा नहीं आता। क्या वजह है जिस वजह से आप फॉलो नहीं करते हो? द शो हैज गॉन वेरी रेपिटेटिव आई गेस। नॉट जस्ट रेपिटेटिव, इट्स बिकम लाइक अ नॉर्मल डेली सोप सीरियल जहाँ पे उस चीजों का भी घसीटा जा रहा है। स्पेशली आई थिंक दया द ओल्ड सोनू, एवरीथिंग वाज अ वाइब अर्लियर, अभी इट्स नॉट अ वाइब, इट्स लाइक ठीक है देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो, इट्स मोर लाइक। एंड आई हैव नोटिस इवन द पीपल हु tend to watch it now also are the ones who will watch aise purane videos and everything, because purane mein it was comedy, it was genuine comedy, now there is no comedy, it's like tappu ki shaadi ho rahi hai iski shaadi, I'm like it was not, it has been like a kid show ki main ekdum bachcho ko dikhao 10 2 saal ke, kyunki dekho you should be how like college students are like jo fifth class mein padhte hain. Acha aap log daya bhan ko miss karte hain? Bahut zyada, सुंदर खराब सा उनके जाने के बाद ही डाउनफॉल हो गया था शो से। गरबा में उनको बहुत ज्यादा मिस करा जा रहा है उनकी वजह से, ना उनकी माँ के कॉल आते, ना सुंदर भाई का वीर आ रहे, कुछ भी नहीं होता। आपको क्या लगता है पुरानी वाली दया आएगी या फिर नई वाली लेकर आएंगे? मुझे नहीं लगता कोई दया आएगी, सुंदर लाल पहले भी इतनी कसम खा चुका है, अभी तक नहीं आई है दया। सुंदर लाल झूठा है, एक नंबर का झूठी कसम खाता है सुंदर लाल, झूठा है। अभी तो दया बहन का तो मुश्किल लग रहा है, उसने बिग बॉस का भी ऑफर सुना मैंने ठुकरा दिया है, आएगी नहीं दया बहन तो वापस, अब आएगी नहीं दया बहन। क्या लगता है अगर दया बहन आती है तो वही पुरानी तो, पुरानी वाली या नहीं? पुरानी वाली नहीं, पुरानी वाली। नहीं नहीं चलेगी, एक बार नहीं आई भी थी वो भी वर्क नहीं कर पाई थी ना, एक बार आई थी, नहीं नहीं आई कुछ दिन के लिए, नहीं आई, कोई नहीं आई। एपिसोड देखे? आप कौन सा तारक मेहता देख रहे हो? शायद सुंदर लाल ने अपनी माँ की कसम खाई है कि दया बहन की वापसी होगी इस दिवाली पर, तो क्या लगता है कि दिशा वकानी आएगी या कोई और दया बन के आएगी? कोई और आएगी, आएगी। जब से वो कही है हर दिवाली लोग प्रॉमिस करते हैं कि दया गाना कम, दया गाना कम, क्या लगा रखा है हर दिवाली पे प्रॉमिस कर देते हैं। दिवाली प्रॉमिस तो छोड़ो, आज तक सासू माँ नहीं दिखी जेठालाल की कभी, दिस इज फॉर गैस लाइटिंग कि हर दिवाली आने वाली है। माँ तो दिखाई नहीं, पता नहीं कौन सी माँ की कसम खाई है कि है कुछ नहीं पता, तो फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक अभी तारक मेहता डज नॉट हैव दैट रेपुटेशन आल्सो बिकॉज ऑफ द प्रोड्यूसर एंड एवरीथिंग व्हाटएवर द कंट्रोवर्सी दैट हैपेंड, बट दे आर नॉट नाउ, या बेसिकली बिकॉज
now with time everyone is coming up against the producer, so there must be some reality to it, if not the entire reality. So I think ki matlab now it is high time they should put a stop to that show, because I think it is better to end it with a reputation than just spoiling the reputation that they have created. Aadhe zyada the crew to chali gayi hai. Exactly, there is no originality anymore left. Bas Dilip Joshi bacha hai sir. Haan. Aur koi nahi hai. Yeah. And that video and his wife. Yeah. And Ayyar Babita, yeah. And I feel really bad for Ayyar. One interview he was crying ki log Babita ji ke husband ke hisab se. I'm like, Ayyar ji aap bahut acche hain. You're very sweet. Acha acha, abhi Sundar Lal ne apni maa ki kasam khai hai ki is Diwali mein Daya Behan aa jayegi. Lagta hai Daya Behan aaya na, pehle unki maa ko lekar aao. Nahi, unki serial band hone se pehle hame unki maa ko dekhna hai. Ye sahi hai. Mohit Lal ki biwi ko bhi dekhna hai aur Anjali kya Anjali Anjali ke aur Babita ke bacche bhi dekhne hain. Bacche dekhne hain. Aisa Babita ka year kahin to hai. Aapka koi favorite character ho Tarak Mehta mein? Jethalal. Jethalal aur Bagha. Jethalal aur Bagha. Acha kiski aapko Bide Bide बिड़े मास्टर. अच्छा कौन सी कपल आपको बहुत अच्छा लगता तारक मेहता? दया बहन जेठालाल. दया और जेठालाल. तो क्या लगता है ये दोनों कभी दोबारा साथ में देखने को मिलेंगे, क्योंकि दया बहन तो आ नहीं रही. सो मुश्किल आएगी अब. हाँ, वो मना ही कर रही है हर टाइम के लिए. अच्छा एक बात बताओ, जिस तरीके से शो का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है, सो क्या वजह है जिस वजह से डाउनफॉल हो रहा है? एक तो दया नहीं है, ऊपर से रोशन और सोडी भी इतनी बार चेंज हो गए, तारक भी चेंज हो गया जो मेन कैरेक्टर वही चेंज हो गया, सोनू भी इतनी चेंज हो गई है, अब क्या चलेगा? अब जो ये नई वाली सोनू आई है वो आपको कैसी लग रही है? पता नहीं, मैंने देखा नहीं अभी तो. लास्ट जो थी बिल्कुल, जो अभी रिसेंट चेंज हुई उसको तो पता नहीं, अभी लास्ट जो थी वो तो ठीक. लोगों को पता ही नहीं है कि नई सोनू भी आई है. पता ही नहीं है कि कौन है, यही नहीं पता है हम लोगों को. पता ही नहीं है कि कौन है. अच्छा शो को लेकर काफी सारी कंट्रोवर्सीज होती रहती है, शो के जो प्रोड्यूसर है उन पे काफी कंट्रोवर्सीज होती है, काफी उनकी फीमेल एक्ट्रेस ने उनपे काफी सारे इल्जाम लगाए हैं, उस बारे में आपको पता? सुनने में तो आया था कि हाँ दया ने छोड़ा है, कि कोई एलिगेशंस वगैरह लगे हैं, डायरेक्टर ने लगाए, मतलब ऐसे कुछ छेड़छाड़ ऐसा कुछ था, पर इतना कंफर्म नहीं है कुछ भी. देखना ही बंद कर दिया था क्योंकि उसके बाद से. वन मोर थिंग, जैसे आपने कंट्रोवर्सीज की बात करी शो में जितनी भी चलती है, तो काफ़ी सारी फीमेल एक्ट्रेस ने आसिफ कुमार मोदी पे काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाए, इल्जाम लगाए हैं, तो उस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? आई डोंट नो इफ इट इज 100% रियलिटी और नॉट, but if everyone is coming up some way or the other about harassment or whatever the reasons are, there must be some reality to it. Like even if it is 5%, it is not fair towards someone, and if you're working for someone you should be respected enough, you should be respected in the way of wages also, in the way of your hard work also, because at the end of the day everyone is craving for respect, and if that person is not giving you that, you don't want to work with them, because where you are not safe, your workspace should be the one, the safest place where you belong, where you are happy with other people around you. If that is not the case, then I think it's better to end it and leave, which people did because of that. And there have been people who have been like very traumatized, because a lot of interviews and ads and everything have come, which are very heartbreaking to see that this was happening behind our backs. Even though जब कि वो pretend करते कि बहुत अच्छा show है, everybody is very happy, everybody is very satisfied. The reality is something else only. So yeah, I don't think so. It is working out, I think. अच्छा जिस तरीके से show को लेकर आए दिन कोई ना कोई controversies होती रहती है, उन्हीं के female actors उन पे इतने सारे इल्जाम लगा देते हैं, तो वो उस बारे में आप क्या बोलना चाहो? कुछ पता नहीं, वो तो मुझे शक्ल अब नहीं बोलेंगे. नहीं, हम बोल सकते हैं, मतलब काफी सारी चीजें हुई है तो हम बोल सकते हैं, बट हमें अंदर क्या ही हो रहा है क्या ही पता. टू बी ऑनेस्ट, अगर वो जो लड़कियां बता रही हैं जो उनके साथ हुआ है, चाहे वो मेंटली हो या सेक्सुअली हो, कुछ भी हो, अगर वो 1% भी सच है ना, तो आई फील कि जो बाकी को स्टार्स है उनको एक एक्शन लेना चाहिए, ठीक है? बिकॉज अभी जब जेनिफर का सीन हुआ था, उसके बाद सोनू का भी हुआ है, उसके बाद आई वाज समवेयर एक्सपेक्टिंग कि दिलीप का कुछ अलग से रिएक्शन होगा, क्योंकि जेठालाल का पर्सनैलिटी वैसा सा रहा है, लेकिन अब उनकी तरफ से कुछ नहीं आ रहा है, तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है हमारे लिए कि एक्चुअल सीन क्या है. एक बात बताओ, इतने सारे कैरेक्टर्स को इन्होंने रिप्लेस किया तो वो सही है? वो जो मेहता साहब थे वो पहले वाले बहुत अच्छे थे, कुछ कुछ रिप्लेसमेंट इनके जैसे टप्पू है, ठीक है चलो, बाकी तो सब बेकार ही है वैसे.
क्या लगता है टप्पू की शादी करनी चाहिए? टप्पू बड़ा हो गया है, उसमें बहुत टाइम है अभी। टाइम है तो बंद कर दिया ना, पहले देखते थे जब अच्छा आता था। क्या लगता है टप्पू की शादी होनी चाहिए, एडल्ट लाइफ को दिखानी चाहिए? वो तो मिस ही हो चुका है, बस कॉलेज आ गया, हमारा कॉलेज खत्म होने को आ गया भाई, उनका क्यों नहीं हो रहा है? बड़े हो गए, बड़े हो रहे, वो बड़े ही नहीं हो रहे हैं। शादी करवाओ, बच्चे करवाओ, कुछ भी करवाओ यार, सब कुछ करवाओ। टप्पू भी इतनी बार चेंज किया है इन्होंने, तो क्या बोलना चाहोगे? टप्पू तो फर्स्ट वाला ही अच्छा था, अब तो वो बालों पे फूंक मारता है, बेफूसा लगता है। अरे करो कुछ भी करो, लेकिन आगे तो बढ़ाओ, एक ही जगह पे स्टोरी लिमिट ही कर दिया। इवन अभी सोनू में मैंने देखा था, उसकी जो एंट्री हुई है चेंज तो हुई है, उसकी एंट्री का जो हुआ है वो भी उन्होंने रिपीट ही करा है, जो सेकंड लग रही है नई वाली सोनू। हम देखते ही नहीं है ओल्ड एपिसोड, बेस्ट है भूतनी वाला एपिसोड, उसके बाद तो थोड़ा बहुत डाउनफॉल होना शुरू हो गया था, बट थोड़ा बहुत संभाल लिया था। अच्छा क्या लगता है, शो दोबारा से वैसा ही हो जाएगा या क्या होगा, या और गिर जाएगा? और ही गिर जाएगा, नहीं लगता है। पुराने का कैरेक्टर्स आ जाए तो हो भी सकता है, हो सकता है। नए के साथ तो नहीं होगा, नई दया आ गई तो बिल्कुल ही नहीं होगा। क्या लगता है कि शो को बंद होने की जरूरत है अब या नहीं? अब क्या बंद होने की जरूरत, हम क्यों किसी को बोले, चल रहा है चल दो, चल रहा है चलाते रहो, चलाते रहो। अच्छा क्या लगता है शो के अंदर क्या चीज को ऐड करना चाहिए जिस वजह से शो का डाउनफॉल रुक जाए? शो के अंदर दया बहन को ऐड कर देंगे तो शो दोबारा पहले जैसी पॉपुलैरिटी कमा लेगा 100%। क्या लगता है कि अगर शो में कुछ नया चेंज करे तो हो सकता है शो के वापस से चल जाए, है ना? जिस तरीके से मतलब टप्पू से ना अभी तक बच्ची ही बच्चे ही है, बच्चों वाली हरकतें करते, तो डू यू थिंक कि उनकी मैरिड लाइफ को दिखाना चाहिए, कुछ एडल्ट लाइफ दिखानी चाहिए? आई डोंट थिंक सो, एग्जैक्टली। एंड इन द फर्स्ट प्लेस व्हेन लाइक ओरिजिनल तारक मेहता स्टार्टेड राइटिंग, इट वॉज ऑल अबाउट कॉमेडी, इट वॉज ऑल अबाउट अ सोसाइटी। Now it is more like they are just pulling topics. पहले हर एपिसोड में कुछ नया हो रहा था, अभी हर एपिसोड में कुछ नया नहीं, आज कुछ हो रहा है वही चीज कंटिन्यू हो रही है। कुछ रिसेंट एपिसोड लगता है कि वापस से पीछे से उठा के रिसाइकल कर रहे हैं। And like 24 years should not have a Tappu scene. Now that Tarak Mehta is gone, I think it should put a stop with a lot of respect to that show. They can show the repetitive like the old episodes and all, telecast those, but no, I don't think so. It's fun to play with the essence of something. So, do you think it should be stopped? Yeah, I do think. क्या वजह है कि शो का डाउनफॉल स्टार्ट हो? सारे घर रेनोवेशन, उनके घर का रेनोवेशन, घर बदलते किस्मत बदल गई तारक मेहता की। मेन मुझे लग रहा है जब से रियल वो है ना राइटर तारक मेहता, उनकी जब से डेथ हुई है ये मेन चीज है। उसके बाद मतलब मेन आइडिया देने वाले वही थे, अब वही चले गए तो अब लोगों को आइडिया मिल नहीं रहा है, तो अब बस कॉपी पेस्ट चले।